सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से, अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबर से देखा जाता है और सम्मान पैसे देख कर किया जाता है, परंतु ये सब गलत है। आज का पंचांग 4 जून 2024 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:45 से 5:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 4:14 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर ही रहेंगे। मिथुन राशि 4 जून 2024 दिन मंगलवार, आपके आसपास कोई आपको व्यर्थ के पावर गेम में उलझाने की कोशिश करेगा। इसे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंत्रण रखकर ठंडे दिमाग से काम लें और किसी और की चालों का शिकार ना बने। इससे आप व्यर्थ की परेशानियों से भी बच जाएंगी। अगर आप सावधान रहेंगे तो बहुत सुंदर और चिंता मुक्त दिन गुजार सकते हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अचानक मिले धन या अप्रत्याशित आय को सोच समझकर निवेश करें। खुशियों को नजरअंदाज करें क्योंकि यह आपको खतरे में डाल सकती है। यह समय अभी आपके सामने आए अतीत के किसी मुद्दे को हल करने के लिए संघर्षों से निपटने का है। आज आप समय कैसे व्यतीत करेंगे यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या कुछ लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। दोस्तों के साथ मिलकर काम करने से सफलता प्राप्त होगी। अगर आप दुनिया को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलें। अच्छा, आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। अगर आप छात्र हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर के आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। बच्चे की तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। आज के दिन अपने प्रिय की भावनाओं को समझें। कार्यालय में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या खबर दे सकता है। आज भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। समय मान प्रतिष्ठा वर्धक है। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। शानदार समय व्यतीत होगा। दैनिक कार्यों के साथ साथ आप अन्य कार्य बड़ी सहजता से पूरा कर पाएंगी। अपेक्षा के अनुसार बातें आगे बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप योजना के अनुसार आगे बढ़ सकती हैं, जिससे बदलाव कर पाएंगी। गलतियों को सुधारना आपके लिए आवश्यक होगा। अनेक बातें आपकी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ने से सकारात्मकता रहेगी। करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय करने के बाद भी बेचैनी रह सकती है। अपनी कमजोरियों को समझकर बदलाव करने की कोशिश करें। रिलेशनशिप ठीक रहेगा, फिर भी आप पर बढ़ी जिम्मेदारियों के कारण तनाव हो सकता है। समस्याओं का निदान होगा और नए कार्य करने को मिल सकते हैं। आमदनी में सुधार होगा। योजनाएं समय पर पूर्ण होगी। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। दोपहर में विचलित करने वाले लोग मिल सकते हैं। कार्य से तनाव रहेगा, उत्साह में कमी रहेगी। शाम को विवादों में विजय मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। संतान का साथ भी मिल सकता है। सावधानियां, कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। माहौल सकारात्मक हो जाता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें जिससे घर का माहौल खराब ना हो। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करने से उनका मनोबल भी बढ़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की।
किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ मिलना जुलना भी तनाव को कम करेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आएगी। पारिवारिक जनों के साथ कुछ मनोरंजक संबंधित प्रोग्राम भी बनेंगी। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने साथी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार भी हैं। इस समय अंतरंगता और यौन शोक आपके दिमाग में है और इन क्षणों के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। किसी खास की बीमारी आपको तोड़ कर रख सकती है। अपने पार्टनर को समय दें और यह मनोरंजन आपके जीवन को और भी खूबसूरत बना देगा। अपनी आशा और कौशल से आज आप अपने दोस्तों के लिए लकी रहेंगे और उन्हें लुभाएंगे। आपका पार्टनर भी आज अपने पूरे जोश में है, जो आपके लिए इस दिन को यादगार बना देगा। याद रखें, एक साथी का होना शुरुआत है, साथ रहना आगे बढ़ने की निशानी है और साथ में हर काम करना सफल होने का प्रतीक है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन को आप अपने बेहतरीन दिनों में गिन सकते हैं, क्योंकि आज आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, जिसका प्रयोग आप अपने सपने पूरे करने में कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके प्लस पॉइंट है, जो आपको हर दुख या झटके में राहत पहुंचाएंगी। आज दूसरों को प्यार करना और उनसे प्यार पाना आपके जीवन को नया अर्थ प्रदान करेगा। अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अपने दोस्तों और करीबी का साथ पाकर आप भाग्यशाली महसूस करेंगे। लोगों के साथ रहना अच्छी किस्मत है, किंतु मिलकर काम करना विजेता की निशानी है। आज उन परियोजनाओं पर एक अच्छी शुरुआत करें, जिनको लंबे समय से आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर हैं। चीजों को आसान तरीके से लें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। अपने काम को करने के लिए दुष्टों पर भरोसा ना करें, जो उचित है उस विचार को रखने में आप जरा भी ना घबराएं। भागीदार व कर्मचारियों के साथ चल रहा संबंधों में तनाव समाप्त होगा। कारोबार में पारदर्शिता रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से पेपर वगैरह अवश्य चेक करवाएं। बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसी सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ सावधानी तो रखनी ही होगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यायामों को शुरू करने का भी, जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें पूरा करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हैं। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।